हिट एंड रन के नए कानून को लेकर के लगातार कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है। बस चालकों में लगातार जो गुस्सा है वो बरकरार है और बस चालकों ने 17 जनवरी को कुछ बड़ा करने की भी प्लानिंग कर रखी है। आखिर क्या करने वाले हैं बस चालक 17 जनवरी को और लखनऊ में क्या कुछ होने वाला है, पूरे प्रदेश पर क्या असर पड़ेगा, यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है मान सिंह और इनसे पूछते हैं कि अब बस चालकों की क्या आगे की योजना है और 17 तारीख को क्या बड़ा होने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। एक्चुअली मैम, हिट एंड रन केस में बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं जो कि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन चीज़ों को स्पष्ट करे, क्लियर करे। कम से कम हमारे जो चालक भाई हैं जो कि एक तो पहले से ही इस स्थिति में है कि हमारा विभाग इनको 8,000 10,000 12,000 में इनसे काम ले रहा है, उस वेतन में एक तो पहले से ही इनका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, पेट नहीं चल पा रहा, तो ये अच्छी शिक्षा कैसे अपने बच्चों को दे पाएंगे और उनका भविष्य कैसे उज्जवल कर पाएंगे, इस पर तो किसी प्रकार की चिंता न प्रदेश सरकार को है न हमारे परिवहन निगम के बैठे हुए टेलीकोठी के उच्च अधिकारियों को है। उसके बाद जो ये काला कानून लागू किया जा रहा है जिसको विस्तार से अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है कि इसमें क्या है, कैसे लगेगा, जो 7 लाख रुपया जुर्माना है वो किसको भरना पड़ेगा, जो 10 साल की सज़ा है वो तो चालक को ही वहन करना पड़ेगा, उसको भुगतना पड़ेगा सज़ा। लेकिन ऐसी स्थितियां कम से कम ये स्पष्ट किया जाए प्रदेश सरकार की तरफ से, परिवहन निगम मुख्यालय की तरफ से, या केंद्र में बैठी सरकार का ये दायित्व बनता है क्योंकि कानून उन्होंने बनाया है, तो उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए कि इस कानून में हम क्या क्या चीज़ें ला रहे हैं जिस पे चालक पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन अगर ये कानून लागू हो गया, हमारे किसी भाई से कोई दुर्घटना हो गई, तो उस स्थिति में हमारे पास क्या 7 लाख रुपया है? नहीं है। और 7 लाख रुपया को छोड़ के यदि हमने 7 लाख रुपये जुर्माना नहीं भरा, हमारा कोई चालक भाई जेल चला गया, 10 साल की सज़ा का प्रावधान है उसमें, उस 10 साल के अंदर इनके परिवार का, इनके बच्चों का क्या हश्र होगा, क्या इसकी चिंता सरकार को नहीं करनी चाहिए? सर्वप्रथम करनी चाहिए चालक, उसके परिवार, उसके ऊपर इस कानून के बाद कैसी कैसी विपत्तियां पड़ेंगी ये सरकार को पहले सोच लेना चाहिए, कुछ विचार विमर्श कर लेना चाहिए। और ये मजदूर से भी नीचे श्रेणी में आते हैं मैडम, मैं आपको बता दूं, जो राज्य सरकार का आदेश है कि कम से कम न्यूनतम वेतन इनका 24,000 होना चाहिए, हमारे पूरे परिवहन निगम में किसी भी चालक का 24,000 रुपये वेतन नहीं है, रेगुलर को छोड़ दिया जाए, और रेगुलर हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 6% है। जैसा कि पूर्व से भी जो कानून लागू था उसमें भी सज़ा का प्रावधान है, लेकिन उसमें यह होता था कि पहले चालक की जमानत होगी, फिर वाहन की जमानत होगी, और तत्काल चालक की जमानत हो जाती थी, चालक अपने कार्य पर लौट जाते थे और उनके परिवार का भरण पोषण होता रहता था। लेकिन इन सब इस कानून में इन सब स्थितियों को स्पष्ट नहीं किया गया है, तो हम अभी उस स्थिति में हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, अभी इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं, डिपो जाकर, क्षेत्र क्षेत्र जाकर इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार उससे पहले कि हम लोग कोई बड़ा आंदोलन की घोषणा करें, उससे पहले यदि सरकार हमें उसका कोई जियो, जो नया कानून इन्होंने लागू किया है उसका कोई जियो हमें दे दें, जिससे हम ये समझ सकें कि क्या ये हमारे हित में है या अहित में है। एक शिकायत दर्ज हुई मुख्यमंत्री पोर्टल पे, उस शिकायत के संदर्भ में मैंने उनसे बात की, जिन्होंने ये कार्रवाई की, वरिष्ठ केंद्र प्रभारी महोदय, उस पर उनका ये था स्टैंड कि ये तो संविदा का आदमी है, अभी मैं इसकी संविदा समाप्त कराऊंगा, नौकरी खाऊंगा इसकी। लेकिन जब मैंने उसकी गहन पड़ताल किया तो उसमें ये निकल के आया कि ये जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई, शिकायत का नंबर जो है वो 2023 के चौथे महीने में इस नंबर से शिकायत की गई थी, उस नंबर का दुरुपयोग करके आज की डेट में 2024 के 3 तारीख को, 3/1/24 को उस शिकायत के नंबर को दर्ज करके एक कर्मचारी पे कार्रवाई कर दी जा रही है, जिसके लिए मैं 3 तारीख से लेकर आज तक निरंतर मैं पत्राचार कर रहा हूँ। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को मैंने इसकी कॉपी दी, क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से बात की और थक हार के आज मैंने प्रबंध निदेशक महोदय को इसकी कॉपी भेजी है। तो
तो ऐसी और जानकारी जुड़े मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, लोकल 18।